और शिमला से ही अगली खबर है, जहां एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। शिमला के कृष्णा नगर में कई घर इसकी चपेट में आए हैं। शिमला के समर हिल इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। शिमला में लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शिमला के कृष्णा नगर में कई घरों पर पहाड़ों का मलबा गिरा है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके चलते अभी तक 15 घरों को खाली कराया जा चुका है। अभी कंफर्म कुछ नहीं पता, 2 से 3 मलबों को हो सकते हैं, कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब जितना जल्दी हो सकता है हम निकालने की। इस बार बाढ़ बारिश की वजह से हिमाचल में शिमला को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें शिमला के समर हिल इलाके की है, जहां शिव मंदिर पर 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था। मलबे में 22 लोगों के दबे होने का दावा है, जिन्हें बचाने के लिए पूरा सरकारी अमला जुटा हुआ है। वहीं शिमला में कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है। 2 दिन पहले यहां भी पहाड़ों से जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते रेलवे ट्रैक टूट गया। कहा जा रहा है कि इस ट्रैक को दुरुस्त करने में करीब 10 दिन लग सकते हैं। और शिमला में शिव मंदिर पर मलबे में दबे एक शख्स हादसे के बारे में जानकारी उसने दी है, आइए सुनते हैं। आप वहाँ अंदर से कमरे के अंदर था, कमरे में था वो, पैर टूटे उसके ऊपर छत में पड़े, मैं दब गया वहाँ। फिर आपको कैसे बाहर निकाला, किसने निकाला? यहाँ कई लोग थे जी, मैं चिल्लाया बचाओ बचाओ, फिर वो गए बात, फिर लकड़ के बीच दबावा था जी, एक बार तो शेर निकाला, फिर उधर से फिर और आगे भागे वो, फिर उसने के बाद जी फिर दोबारा गए, सब ये सब मिट्टी के नीचे दबावा था। और वही हिमाचल में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। बाढ़ बारिश के चलते 60 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और प्रदेश को 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजेस को आज भी बंद रखने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है। रिहायशी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान ढह गए तो कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिसके चलते हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इन घरों को खाली करने की अपील की है। ये खौफजदा कर देने वाली तस्वीरें शिमला से आई है, जहां देखते ही देखते कई घर खाई में समा गए। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। वहीं पहाड़ों के बरसाती पानी का ड्रेनेज सिस्टम चरमरा चुका है। लोगों ने पानी की निकासी वाली जगहों पर घर बना लिए हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश के 1 दर्जन नेशनल और स्टेट हाईवे बंद पड़े हैं। साथ ही प्रदेश की 500 सड़कों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके चलते लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। इसी बीच कुल्लू हॉस्पिटल में 2 मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के PGI अस्पताल पहुंचाया गया। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भयानक तबाही मची है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर घर दुकान सैलाब की चपेट में आ गए। एक रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से मलबे में दब गया। ऊपर क्यों रेस्टोरेंट जहां सैलानी ठहरते हैं, और यहां नीचे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, पहली मंजिल तक मलबा भर गया, जिससे भोजनालय पूरी तरह से जमीन के अंदर धंस चुका है। बताया जा रहा है कि 12 और 13 अगस्त को बादल फटने के बाद पहाड़ से मलबा आने पर हालात इस कदर भयानक हो गए। इनका जो भोजनालय था उसका सिर्फ यहाँ नीचे, आप देखिए यहाँ नीचे हम बैठ कर अगर आपको दिखाएं तो नीचे यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है, शटर का देखिए आप क्या हाल है, नीचे पूरी दलदल और मलबा भरा हुआ है। और काफी जो पैसा लगाया गया था इस होटल को बनाने में, भोजनालय को चलाने में, आप देखिए उसका सिर्फ यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है। गनीमत यह रही है कि बिल्डिंग पूरी तरह से धंसने से बच गई है। हरीश कुमार जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, काफी बड़ा नुकसान आपका होता तो बच गया, जान तो बच गई ना? जान बच, तो कैसे हुआ एकदम से ये मलबा सैलाब आ गया? एकदम आ गया, सुबह के टाइम आया। तो अभी बिल्डिंग सेफ है, गिरने का आसार तो नहीं है? बिल्डिंग सेफ है, गिरने का कोई आसार नहीं है। हिमाचल में कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि इंसान बेबस नजर आने लगा, लेकिन संकट की इस घड़ी में हमारे जवान लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रहे हैं।
रात हो या सुबह, लगातार प्राकृतिक आपदा के बीच आम लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसे दो तस्वीरों से समझ लीजिए। एक और कांगड़ा के इंदौरा इलाके में बीती रात रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से पीड़ितों को कुछ इस तरह बचाया। घने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से जवान पहुंचे। किनारे पर खड़ी महिलाओं और बच्चों को लाइफ सेविंग जैकेट पहनाई गई। फिर नाव से ही सभी को महफूज जगह ले जाया गया। आगे कर ले थोड़ा, ये लाइट में आ जाओ, इधर आ जाओ, लाइट में आ जाओ, लाइट में आ जाओ। इसी तरह उजाले में भी यहाँ हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अब की बार वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर मिशन जिंदगी को पूरा करने में भूमिका निभाता नजर आया। रस्सी के सहारे एक एक कर बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। और हिमाचल में आई आपदा पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कांगड़ा में अब तक 650 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 100 से ज्यादा लोग अभी भी कांगड़ा में फंसे हुए हैं, कहना है सीएम सुक्खू का। नहीं, अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूं और कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। आप ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद, कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊँगा। अशी बॉडी में अभी काम चल रहा है, आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें। तो अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान कांकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है।